हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 27 मे बुधवार। आज दिन बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी। आपड़ भिडियोटी को मूल शेष पर्यटन देखु सब टेक्निक खबर रखिपारे। जदि भिडटी पसंद आसे तेज लाइक करेंगे। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने जदि हम चैनल को नुवा आछंती, हम चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करनियो, तो पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करनियो, तो हम वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। प्रथमे रे देखिबा युक्त तीन न हेबोनी द्वितीय चतुर्थ सेमिस्टर, पीजी रे भी तृतीय सेमिस्टर हेबोनी बोली उच्च शिक्षा मंत्री को सूचना। तबे युक्त तीन र हेबोनी द्वितीय और चतुर्थ सेमिस्टर, पीजी रे भी द्वितीय सेमिस्टर हेबोनी उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू काली एने सूचना देछंती। विश्वविद्यालय विकल्प व्यवस्था द्वारा परवर्ती सेमिस्टर को उत्तीर्ण प्रथम थर पर राज्य में युक्त तीन और पीजी सिलेबस 25% कोर्स गाइडेड सेल्फ स्टडी द्वारा कवर करा। लोकसभा भवन यूजी और पीजी सेमिस्टर परीक्षा संपर्क में निष्पत्ति ग्रहण करने निम्ते राज्य में समस्त सरकारी विश्वविद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आलोचना कर निष्पत्ति। नंबर दुई रे देखिबा पुणी एकाबेळिके सुस्थ हेले 84 जन कोरोना आक्रांत। आक्रांतक संख्या बढ़िबा सह राज्य में बढ़ुची सुस्थक संख्या। राज्यवासीक पई खुशी खबर, आक्रांतक संख्या बढ़ुतिबा बेळे वृद्धि पाउची सुस्थक संख्या। राज्य में एकाथरे सुस्थ हेले आउ 84 जन कोरोना आक्रांत। तबे नुआ सुस्थक मिसाई राज्य में एजे 733 जन कोरोना संक्रमित सुस्थ हेबाने राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु सूचना दी जाइछि। नंबर तीन देखिबा आज पूरी सेवायत कोरोना परीक्षा प्रथम पर्यायर 150 दैतापति सेवायत कोविड 19 टेस्ट। आज पूरी सेवायत कोरोना परीक्षा प्रथम दैतापति सेवायत नमूना परीक्षा करा। मोट 150 जन सेवायत परीक्षा हो। परवर्त पर्यायर गराबुड़ और अन्य सेवायत नमूना परीक्षा करा। प्रत्येक दिन 75 सेवायत नमूना परीक्षा करा। स्वाब संग्रह पर चुक्ति अनुसार होम क्वारंटाइन रहिबे। श्रीमंदिर उन्नयन प्रशासन एने सूचना देखते। नंबर चार देखा राजनीति में लॉकडाउन, राहुल गांधी अभियोग देश में तालाबंद प्रभाव शून्य। 21 दिन में कोरोना हरेबा को कही 60 दिन पर भी सुधुरानी स्थित। राजनीति में लॉकडाउन देश में तालाबंद प्रभाव शून्य बोली कहले राहुल गांधी। सांबादिक सम्मेलन कर मोदी सरकार को टार्गेट कर राहुल गांधी लॉकडाउन विफल होता अभियोग। 21 दिन में कोरोना हरेबा को कही 60 दिन बीतीगले कोरोना को हरई पारे प्रधानमंत्री। देश में कोरोना संक्रमण दिनक दिन बढ़ुता बेले तालाबंद कटकणा को कोहल कर देश में लॉकडाउन फेल मारी। चारिटि पर्यायर देश में तालाबंद डाक मोदी सरकार हेले कौन से फायदा मिल ना गणमाध्यम सूचना देते राहुल। तबे सरकार देश आग को कौन चिंता करुछंती राहुल प्रश्न कर। नंबर पाँच देखा चलित बर्ष 10 दिन विलंबरी आसब मौसुमी। चलित बर्ष विलंबरी आसब मौसुमी। एथर ओडिशा को मौसुमी आगमन 10 दिन अधिक डेरी हो पारे। संभवत जून 20 दक्षिण पश्चिम मौसुमी ओडिशा छुई पारे। वर्तमान और संभाव्य स्थिति को नहीं एभली पूर्वानुमान पाणीपाग विशेषज्ञ। भारतीय पाणीपाग आईएमसी आंचलिक स्वतंत्र पाणीपाग केन्द्र मुख्य राजेन्द्र प्रसाद जेनामणि आकलन है आरब सागर रे केरल उपकूल पाखरे जून प्रथम सप्ताह एक लघुचाप सृष्टि होगा संभावना परिलक्षित होछि। एहार प्रभाव रे जून प्रथम सप्ताह रे केरल रे वर्षा संभावना रहछि। अनुमान करा जाउछि एहा दक्षिण पश्चिम मौसुमी को अग्रगति करिपारे सहायक हो। तेणु जून 1 तारीख रु जून 5 तारीख मध्य मौसुमी केरल उपकूल छुईबा संभावना रहछि। नंबर छे देखा आगामी 15 दिन रु 1 मास आम पर बड़ चैलेंज रही। परीक्षण क्षेत्र में अग्रणी रही राज्य कोरोना को नहीं सचिवों समीक्षा पर कहले मुख्यमंत्री। समीक्षा पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आगामी 15 दिन रु 1 मास चैलेंज सृष्टि कर। विमान और रेल चलने अनेक चैलेंज सम्मुखीन करने को पड़ो। यह समय उपयुक्त ढंग से अजा भाइरस मुकबिला पड़ो। देशर परीक्षण रे राज्य हेउची अग्रणी राज्य। दुई मासर लॉकडाउन मध्य सरकार अनेक उपलब्धि हासिल करिछन्ति। वैज्ञानिक सामाजिक प्रशासनिक स्तर रे अनेक शिक्षा मिलिछि। एहा को आधार करी आगो को पुनर्निर्माण कार्य करबाक पड़िबो। फलरे अर्थनैतिक जीविका कार्यकलाप स्वाभाविक होइ परिबो। संगरोध पे आगो को सैटिस्फैक्शन कार्यक्रमर आयोजन करिछिबो। नंबर 7
ମାତ୍ରେ ଦେଖିବା। ବଢୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ବିପଦ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଯେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତତଲ କଢ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଯେ ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର। ନମ୍ବର 8ରେ ଦେଖିବା ଲଦାଖରେ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର। ତିନି ସେନାର ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଇଲେ ମୋଦି। ସୀମାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ବୈଠକରେ CDS ବିପିନ ରାୱତ, ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ମୋଦି ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସିଗ୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଭାବେ CDS ରାୱତ ଓ ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ଚୀନ ସେନା ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଟାଳି ଦେଇ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 9ରେ ଦେଖିବା କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସାରା ଭାରତରେ ମଡେଲ ହୋଇଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୋଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୋଗ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ। 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳିଲୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଲୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଲା ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 15 ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବୟସ୍କ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ନିଆଯିବ। ନମ୍ବର 10ରେ ଦେଖିବା ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳର ଶୌଚାଳୟ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା UGC ଫି ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କମ୍ୟୁନିଟି, ପବ୍ଲିକ୍ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ ଶୌଚାଳୟକୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।